डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनके अलावा उन्हें भारत देश के शिक्षा क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1957 से 1962 तक बिहार का गवर्नर थे और 1962 से लेकर 1967 तक भारत का उपराष्ट्रपति बने रहते हुए देश की सेवा की। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1897 को हैदराबाद तेलंगाना पठान परिवार में हुआ था। इनकी माता जी का नाम नाजमीन बेगम था, जो फ्लेग नाम की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु 1911 में ही हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म के थोड़े समय बाद ही इनका परिवार उत्तर प्रदेश में बस गया था। कुछ समय बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पिताजी को भी खो दिया था। इनका जन्म एक शिक्षित और आर्थिक रूप से धनी परिवार में हुआ था। शिक्षा के प्रति लगाव डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने पिता से विरासत में मिला था। इनके पिता ने भी कानून के क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त की थी। वो शिक्षा के महत्व को भली भांति से जानते थे। यही वजह है कि माता पिता का देहांत होने के बाद भी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखा। इनकी स्कूली शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से हुई। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने इटावा से ही पूरी की। कानून की पढ़ाई के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए की डिग्री हासिल किए। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जर्मनी चले गए। जर्मनी यूनिवर्सिटी से 1926 में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल किए। जाकिर हुसैन जब केवल 23 साल के ही थे, जब उन्होंने कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ मिलकर नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सबसे पहले इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में ही की गई। बाद में 1925 में इसे नई दिल्ली के करोल बाग में स्थापना किया गया और इसके बाद पुनः 1 मार्च 1935 को इसे नई दिल्ली के जामिया नगर में स्थापना किया गया और इसका नाम भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी रखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जर्मनी से आने के बाद इसकी हालत देखी, जो अब बंद होने के कगार पर थी। तब उन्होंने इसे बंद होने से रोकने और इसकी दशा सुधारने के लिए इसका पूर्ण संचालन अपने कंधों पर ले लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया। अंग्रेजों के अधीन भारत में इस यूनिवर्सिटी ने अपना अलग ही एक मुकाम बनाया। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। 1955 से लेकर 1957 तक जिनेवा के सभापति रहे। 1956 में वो राज्यसभा अध्यक्ष बन गए, साथ ही भारतीय संसद के सदस्य भी बन गए। 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 13 मई 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना दिया। एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वो अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत देश उनका घर है, वहाँ सब उनके भाई बहन है। 1954 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को सम्मानित किया गया। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का असमय देहांत हो गया। वो भारत के पहले राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हो गई थी। असमय देहांत के कारण वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके, किंतु भारतीय राजनीतिक और शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।